नमस्कार दोस्तों, आज हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग नाम से हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और सेकंड पार्ट है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो आइए आज हम उसी की शुरुआत करते हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में काफ़ी टर्म है, यानी कि गंदा पानी जो अलग अलग प्रकार से अगर उसको परिभाषित करें तो बहुत तरह का होता है। जैसे कि रिफ्यूज़ किसे कहते हैं, तो रिफ्यूज़ में सारे जो हिंदी में अपशिष्ट कहते हैं, तो इसमें सारे वेस्ट जाते हैं, जो भी आपके सॉलिड लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जो भी गंदगी, वो सारी रिफ्यूज़ कहलाती है। फिर गार्बेज किसे कहते हैं, तो जो आपका सूखा कूड़ा होता है, यानी कि जो सूखा ड्राई रिफ्यूज़ होता है, उसी को हम गार्बेज कहते हैं। सूखा कूड़ा, इसमें आपको जैविक पदार्थ मिलते हैं, जैसे जैविक पदार्थ का मतलब होता है जैसे कि सब्जियां, घास इत्यादि। रबिश किसे कहते हैं, तो रबिश भी एक तरह का कबाड़ है, ये भी सूखा कूड़ा ही होता है, लेकिन ये अजैविक है, जिसमें जान नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ हो गया या ऑफिस से निकले हुए कागज हो गए, तो ये सारा आपका कूड़ा होता है। सीवेज की बात करते हैं, तो पूरा पूरा जो सब्जेक्ट है ये सीवेज पे आधारित है। तो सीवेज यानी कि वाहित मल जिसे कहते हैं, हिंदी में इसे द्रव कूड़ा भी कहते हैं। द्रव कूड़ा मीन्स ये जो कूड़ा होता है ये द्रव की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और अभी निकलता कहाँ से, तो आप सभी जानते हैं कि जो भी गंदगी फैक्ट्रीज़ या वाटर क्लोज़ेट यानी कि लेटरिन बाथरूम से जो निकल रहा है, या कसाई बाड़ों से जो निकल रहा है, या फैक्ट्री से जो द्रव निकल रहा है वेस्ट के फॉर्म में, वो सारा आपका सीवेज कहलाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल प्लस आपका सीवेज कहीं से भी निकल सकता है, इंडस्ट्री डोमेस्टिक यानी कि घरों से निकल सकता है और इंडस्ट्री से निकल सकता है। तो जो सीवेज का मेन हम जिसे जानते हैं नाइट सॉइल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में मलमूत्र कहते हैं, मनुष्य और पशुओं से जो प्राप्त होता है नाइट सॉइल, काफ़ी लोगों को ये टर्म बतानी होती है, इसे नाइट सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा कि आपका जो सीवेज है वो डोमेस्टिक यानी कि घरों से भी प्राप्त होता है और इंडस्ट्री से भी प्राप्त होता है, फैक्ट्री से भी प्राप्त होता है, और इन दोनों को मिला जुला के हम क्या बोलते हैं, सैनिटरी सीवेज बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि सैनिटरी सीवेज क्या होता है, तो जो कि आपका डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज होता है। सलेज किसे कहते हैं, तो सलेज बाथरूम और किचन से निकला हुआ गंदा पानी है जो किचन और बाथरूम से प्राप्त होता है, जिसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती और कम ट्रीटमेंट में वो साफ़ हो सकता है। आइए जानते हैं कि हम किस 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 तरह प्रणालियों से हम गुजरे हैं सफाई के लिए। तो सिस्टम ऑफ सैनिटेशन यानी कि सफाई की प्रणाली, तो देखिए ये जो भी गंदगी थी प्राचीन काल से ही सीवेज का प्रॉब्लम चलते आ रहा है, तो हमारे पास दो तरीके थे जिससे, आजकल तो मॉडर्न तरीका है, लेकिन पुराने ज़माने में या अब भी कई जगह पे क्या होता है, कंजर्वेंसी सिस्टम या ड्राई सिस्टम देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि कहीं पर किसी एक जगह बना दी जाती है जहाँ पर कोई आदमी घरों से गंदगी उठा के किसी और जगह पे फेंक देगा। तो ऐसा करने से होता क्या है कि गंदगी एक जगह इकट्ठा कर मानव द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो देखिए इसमें कोई डिज़ाइनिंग तो लगी नहीं है, तो ये एक सरल विधि है, ठीक है, सस्ती प्रक्रिया है, और क्योंकि इसमें आपने सीवर पाइप ये सब नहीं लगाने होते हैं, बस एक गंदगी को फेंकना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये एक सस्ती प्रक्रिया है। और जो जहाँ भी ये गंदगी जमा होती है तो सूखने के पश्चात ये खाद का रूप ले लेती है, तो वो खाद के रूप में भी बाद में प्रयोग में लाई जा सकती है। अगर कंजर्वेंसी सिस्टम का ये फ़ायदे होते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर गंदगी इकट्ठा होगी वहाँ पर बदबू आने लग जाएगी और नई नई बीमारियाँ फैल सकती हैं। दूसरा, इससे जो सफाई कर्मी होता है उसके प्रति भी हीन दृष्टि पैदा हो जाती है, क्योंकि एक आदमी किसी का गंदगी अपने सर के ऊपर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, या बाई मीन्स किसी भी मशीनरी द्वारा ले जाता है, तो इस तरीके से उनको सामाजिक तौर पे भी वो इज्जत नहीं मिल पाती। तो अब हमारे पास एक नया सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है, जो कि आप ज़्यादातर आप देख ही रहोगे कि अब ज़्यादातर हर जगह पे जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीवर और मैनहोल बना के मलमूत्र को पानी द्वारा सीवर में बहाकर एक नगर से बाहर कहीं दूर ले जाते हैं, तो किसी निचले इलाके में ही हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो पूरी सिटी का जो निचला इलाका होता है उसे हम
एज अ ट्रीटमेंट प्लांट के तौर पे वहाँ पे उसे बनवाते हैं। और ये जो सिस्टम होता है जिस सीवर द्वारा सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसे वाटर कैरेज सिस्टम कहते हैं, यानी कि जल वहन प्रणाली कहते हैं। ये एक बार एसएससी मेंस में भी आ चुका है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कंजर्वेंसी सिस्टम और आपका वाटर कैरेज सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए और देखते हैं वाटर कैरेज सिस्टम में होता क्या है। तो देखिए, इसमें वाटर कैरेज सिस्टम में सीवर पाइप में पानी द्वारा ये सारी गंदगी बाहर जाती है। आप बाथरूम में फ्लश करते ही होंगे तो आप देखते होंगे कितना सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, इसमें जो सीवेज होता है वाटर कैरेज सिस्टम में, ये आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। जो सीवेज होता है तो उस सीवेज में पानी की जो मात्रा होती है वो 99.9% होती है, और जो ठोस यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी मात्रा मात्र 0.1% ही होती है। तो हम देख सकते हैं कि कितना पानी हमें यूज़ करना पड़ता है। ये इसका एक नुकसान ज़रूर है कि ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है, मगर इसका फ़ायदा ये है कि ये स्वच्छ विधि है। डायरेक्ट किसी आदमी को इसको उठाने की, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी कमियां ये हैं कि इसके लिए आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इंजीनियर्स द्वारा पूरी ड्राइंग बनाई जाती है सीवर बिछाने के लिए, और जाहिर सी बात है पैसा भी लगेगा और अत्यधिक पानी की इसमें आवश्यकता भी होती है, तो वाटर डिमांड बढ़ जाती है अगर आप इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये तो हमने सिस्टम देखे, अब किन किन तरीकों से, मेथड ऑफ सैनिटेशन क्या थे। तो देखो, कंबाइंड मेथड होता है। तो होता क्या है कि हम जो सीवर पाइप लगाते हैं तो थोड़ा हम ये सोचते हैं कि घरों से जो सीवेज आएगा वो सीवर पाइप में जाएगा, फिर आप जानते हो कि बारिश होगी तो बारिश में भी जो सड़कों का वेस्ट होगा वो उसको कहाँ फेंका जाए। तो हमारे पास दो तरह के सीवेज आ जाते हैं फिर, एक तो जो घरों और फैक्ट्रियों से निकल रहा है, और एक जो दूसरा सीवेज है वो सड़कों से निकल रहा है। सड़कों से जो भी गंदा पानी आ रहा है, बारिश हो जाती है, मेनली बारिश ही उसका एक रीज़न है। बारिश का पानी को भी हमें फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो भी ज़मीन में गिरने के बाद गंदा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर, तो हम कंबाइंड मेथड अपना सकते हैं। कंबाइंड मेथड में हम ये कर सकते हैं कि हम एक ही सीवर पाइप डालें और उसी में हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि वहीं पर घरों की गंदगी भी उसी पाइप में जाए, और जो बारिश का पानी है जिसे स्टॉर्म वाटर कहते हैं इंग्लिश में, वो भी उसी पाइप में जाए। तो जब एक ही पाइप आप दोनों पर्पस के लिए यूज़ करते हो, सीवेज के लिए भी और बारिश के पानी के लिए भी, तो इस विधि को या हम कंबाइंड विधि कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है, अभी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। जहाँ वर्षा साल भर समान रूप से होती है, यानी कि जहाँ पर इवनली रेनफॉल होती रहती है, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। समतल इलाके जहाँ खुदाई कार्य करना आसान व सस्ता हो। ठीक है, जो प्लेन इलाके होते हैं जहाँ पर एक्सकवेशन आसान होता है, वहाँ पर भी आप कंबाइंड मेथड यानी कि एक ही बड़ा सा पाइप दोनों के लिए डाल सकते हो। संकरी सड़कें, संकरी सड़कें आप जानते हो कि वहाँ पर हम दो दो पाइप डालने में परेशानी आएगी, तो वहाँ पर उससे बेहतर क्या है कि हम एक ही पाइप डालें और दोनों सारा सीवेज उसी पाइप द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाए। सेपरेट सिस्टम की बात करते हैं, तो सेपरेट सिस्टम कंबाइंड सिस्टम से थोड़ा अलग है। सेपरेट का मतलब भी आप समझ गए होंगे, पृथक प्रणाली। सीवेज और वर्षा जल के लिए हमें अलग अलग पाइप की व्यवस्था देनी होती है, तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं सेपरेट सिस्टम। आगे बढ़े तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सभी को पता है कि निचले क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दोनों को सेपरेट सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम होता है, और भी आपके पार्शली सेपरेट भी होते हैं, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें तो ड्राई वेदर फ्लो किसे कहते हैं, ये टर्म आपने DWF सुना होगा, शुष्क मौसम प्रवाह हिंदी में होता है। तो किसी भी सीज़न में जो सामान्य प्रवाह होता है, दरअसल उसको हम शुष्क मौसम प्रवाह कहते हैं। बस इसमें थोड़ी एक कंडीशन याद करने वाली ये है कि जब मानसून में होने वाला प्रवाह का 1/20 से लेकर 1/25 तक प्रवाह होने लगता है, तो उसे हम ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य प्रवाह है, तो यह मानसून में होने वाले प्रवाह का कितना होता है, 1/20 से लेके 1/25 तक होता है, तो इस प्रवाह को हम ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं। सेपरेट सिस्टम कहाँ उपयुक्त माना जाता है, तो जो सेपरेट सिस्टम होता है वो आपका जहाँ वर्षा समान रूप से नहीं होती है, या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ का ढाल तीव्र होता है, या जहाँ पर हम गहरी खुदाई नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सेपरेट सिस्टम को ज़्यादा बेहतर मानते हैं।
इसके बाद लास्ट है आपका पार्शियली सेपरेट सिस्टम। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि अंशतः पृथक प्रणाली। तो जब छत का जो वर्षा जल होता है सीवर पाइप में डाल दिया जाता है, और सड़कों का वर्षा जल के लिए हमने अलग नालियों की व्यवस्था की जाती है। तो जैसे कि हम नॉर्मली देखते ही हैं, हमारे घर का जो लैट्रिन बाथरूम से जो पानी आता है और किचन से जो पानी आता है, वो डायरेक्टली आपका फाइनली सीवर में ही जाता है, ठीक है। लेकिन जो सड़कों का जो पानी होता है, उसके लिए अलग से नालियाँ बनाई जाती हैं। तो ये आपका पार्शली सेपरेट सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो सीवर के प्रकार देखते हैं ज़रा, कितने तरीके के सीवर होते हैं। तो जो हाउस सीवर होता है, जो घरों से जो सीवेज व्यवस्था, सीवेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, तो वो जो सीवर होता है वो हाउस सीवर होता है। तो घर से सीवेज निकालने के लिए इस पाइप का यूज़ करते हैं, उसको हम हाउस सीवर नाम देते हैं। इससे आगे का जो सीवर होता है, जो उसे आगे ले जाने में मदद करेगा, उसको लेटरल सीवर, ब्रांच सीवर या सब मेंस भी कह लेते हैं। ये सब मेंस जो होता है बाद में जाके मेन सीवर में मिलता है, जो कि मैन होल से कनेक्टेड होते हैं। इनको ट्रंक सीवर कहते हैं, ये इनमें ही आपके मैन होल लगे रहते हैं। तो घुमा आपके जो हाउस सीवर है वो फाइनली कहाँ पर जाता है, मेन सीवर या ट्रंक सीवर में जाता है, ठीक है। तो इन्हीं में मैनहोल कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक हाउस सीवर है, जो आपका सबसे शुरुआती सीवर होता है, और सबसे जो अंतिम सीवर होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है आपका, कि वह सीवर जो अंत में सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाता है, उस सीवेज को क्या कहते हैं। तो जो सीवर को अंत में सीवेज को अंत में ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाता है, उसे हम आउटफॉल सीवर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लांट से ही ये डिस्पोजल के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट से फिर आगे आप इसको डिस्पोजल या निस्तापन के लिए ले जा सकते हैं। तो जो आखिरी, अगर आपके समझ में आ जाए कि ये आखिरी सीवर होना चाहिए, तो उसका आंसर आउटफॉल सीवर ही होगा। आगे देखें तो जो आपका सीवर डिज़ाइन होता है, तो वो लगभग आपका हाफ से लेकर 3/4 तक के लिए डिज़ाइन होता है। क्योंकि आप जानते हो कि फुल आप उसे नहीं चाहोगे कि सीवर कभी फुल चले, इससे पाइप फटने का खतरा हो सकता है। तो पाइपों की तरह सीवर क्योंकि ढाल पे काम करता है, पाइप तो प्रेशर पे काम करते हैं, तो उनमें प्रेशर द्वारा पानी बहता है, लेकिन जो सीवर होता है वो ढाल द्वारा पानी बहाता है। तो अगर वो फुल बहेगा तो पाइप फटने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, या लीकेज के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हम सीवेज को हम इतना बहाते हैं, या प्रवाह इतना होना चाहिए कि वो 1/2 से 3/4 तक ही भरे। कुछ वेरिएशन फैक्टर भी हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई में भी होता है, वैसे यहाँ पर भी हैं। जो मैक्सिमम डेली फ्लो होता है आपका, वो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली फ्लो के बराबर होता है, यानी कि अधिकतम दैनिक प्रवाह जो है ये औसत दैनिक प्रवाह का दुगुना होता है। इसके बाद अगर मैक्सिमम आर्ली फ्लो, अगर घंटे के हिसाब की बात करें, तो मैक्सिमम जो आर्ली फ्लो होता है वो 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली फ्लो होता है। या आप इसको मैक्सिमम डेली फ्लो की जगह, आपने देखा कि मैक्सिमम डेली फ्लो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली फ्लो, तो उसको अगर यहाँ पर रखोगे तो 1.5 × 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली फ्लो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो मैक्सिमम आर्ली फ्लो होता है एवरेज डेली फ्लो के रूप में, वो 3 टाइम्स बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेरिएशन फैक्टर, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कि जो मैक्सिमम आर्ली फ्लो है उसके लिए हम वेरिएशन फैक्टर कितना लेते हैं, 1.5 लेते हैं। आगे बढ़े तो सीवर को जो उसकी पूर्ण क्षमता का 3/4 गहराई तक के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि हाफ से लेके 3/4 फुल तक ही हम उसे क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं।